हेलो रिव्यू शुरू करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर सोल्व करेंगे जी एफ जी की प्रॉब्लम दैट है तो इजी लेवल की है अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं फिर इसके प्रोज देखें इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने क्या करिए। गिवन अ लिंक लिस्ट विथ स्ट्रिंग डाटा चेक वेदर द कम्बाइंड स्ट्रिंग फॉर्म्ड इज पैलिंड्रोम। ठीक है, मतलब हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है हमारी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है, कंबाइंड स्ट्रिंग जो इनको सबको जोड़कर बनेगी हमें वो बताना है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करना है। अब जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो देखो ए ए फिर बी सी बी सी, ठीक है, और डी डी, इसका मतलब पैलिंड्रोम है तो ट्रू आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी वाले एग्जांपल का करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इसको देख रहे होंगे। ठीक है, अप्रोच इसकी डिस्कस करेंगे, इजी क्वेश्चन है, फिर अगर करेंगे इसको कोड़ा भी। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अब देखो जी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ए बी सी डी डी बी सी ए, ये लिंक लिस्ट हमारे पास दी हुई है। ठीक है, अब हमें बताना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ सकता है कि मैं इसको किसी तरह से, मतलब इस तरह से बिना स्पेस के कुछ करने की कोशिश करूं कि पहले मैं ए को किसी तरह इससे मैच कर लूं। ठीक है, लेकिन ये आपके पास एक तो मेन दिक्कत ये है कि डबली लिंक लिस्ट नहीं है। ठीक है, और दूसरी मेन दिक्कत क्या है आपके पास कि अगर आप इसको सबसे पहले आप कैसे सोचोगे कि मैं इसको सीधे में ही रखता हूँ, एक मैं इसका रिवर्स पोर्शन बना लेता हूँ। ठीक है, रिवर्स वाले को मेरा यहाँ से ट्रैवर्स हो जाएगा, सीधा वाले मेरे यहाँ से, फिर मैं मैचिंग कर लूँगा। ठीक है, तो वो भी आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसमें भी आप अपना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो काम को इजी बनाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हमें यूज़ करना ही है। तो हम इसको क्या करते हैं किसी स्ट्रिंग में या जावा में स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, हम जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, अगर देखो आप उस रिवर्स वाला करके या उस तरह से आप मैचिंग करते हो तो आपको फिर भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको नोड का नोड के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। क्योंकि देखो नोड का नोड के साथ तो कंपैरिजन करोगे तो यहाँ तो फॉल्स आ जाएगा, लेकिन आपको ये जो बी सी है वो देखना है कि बी सी प्रेजेंट है और फिर कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो उस तरह से आपको पैलिंड्रोम देखना है, एक एक करेक्टर, आपको एक एक नोड नहीं देखनी। ठीक है, नोड के अंदर तो 10 करेक्टर भी हो सकते हैं, किसी के अंदर एक भी हो सकता है, किसी के अंदर 20 भी हो सकते हैं, तो आपको एक एक करेक्टर देखना है, एक एक नोड नहीं। ठीक है, तो वो सही अपना अप्रोच नहीं रहेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना ली हमने, टेम्प स्ट्रिंग बना ली, उसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, जो ये कनकैट कर कर आएगी हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर की स्ट्रिंग, वो सारी स्टोर कर लेंगे। क्या आएगा मेरे पास, ए बी सी डी डी बी सी ए, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करा, उसके अंदर जो डाटा है वो सारा कनकैट कर लिया एक टेम्प स्ट्रिंग के अंदर। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चेक करना है कि ये मेरे पास पैलिंड्रोम है या नहीं। एक पॉइंटर यहाँ पर लिया, एक पॉइंटर यहाँ पर लिया, मैच हुआ, चलो जी इसको इंक्रीज करा, इसको डिक्रीज करा। अभी देखो यहाँ पर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब हमने कुछ हो सकता है यहाँ पर गलती है ना, सी भी है यहाँ पर, यहाँ पर सी और बी है ना, ये हमने गलती लिखी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं सेट। अब देखो बी भी मैच हुआ, सी सी मैच हुआ, डी और डी मैच हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर पूरी मैच जाते हैं तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू के भी पैलिंड्रोम है। अगर कहीं पर भी बीच में कोई मैच नहीं होती तो क्या रिटर्न कर देना है, सिंपल फॉल्स के पैलिंड्रोम नहीं है। तो सिंपल से ये काम करते होंगे, इसकी टाइम और स्पेस का लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ नोड जितनी लिस्ट में है वो तो आप पहले ट्रैवर्स करोगे, लेकिन उसके बाद देखो आप जितना डाटा है, हो सकता है सबके अंदर 10-10 कैरेक्टर पड़े हो। ठीक है, तो आप 10-10-10-10, ठीक है, 50 कैरेक्टर आपके टोटल हुए, तो आप 50 बार आपकी लूप चलेगी। ठीक है, या आप कह लो कि आई और जे अगर आप दोनों साइड से डिक्रीज कर रहे हो तब भी 50 by 2 25 टाइम। ठीक है, तो बाय टू को हम नहीं देखते, तो ये जो लेंथ होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर इसके अंदर पड़े होंगे, वो इसका आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, जितने नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ओ ऑफ एन, जितने नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर है वही हमारे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन, यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ कि वेयर एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये लगने वाला है इसका टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब हमें सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पर स्ट्रिंग ली, टेम्प खाली स्ट्रिंग ले ली, जब तक मेरे पास हेड नल नहीं होता। ठीक है, टेम्प में क्या ऐड कर देंगे, हेड का डाटा, बिल्कुल सिंपल, और हेड को एक एक स्टेप आगे मूव भी कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास टेम्प के अंदर अपना ये वाली पूरी स्ट्रिंग आ चुकी होगी, ये आ गई जी। अब हमें सिंपल क्या करना है, एक आई लेना है, जीरो से जे लेना है, टेम्प डॉट साइज -1 पे। ठीक है, हमें सिंपल क्या, पैलिंड्रोम चेक करना है जब तक आई लेस देन है जे से। अगर ऐसा होता है कि टेम्प ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू है टेम्प ऑफ जे,
इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, तो रिटर्न क्या कर दो यहाँ से, फॉल्स आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ठीक है, वरना लास्ट में रिटर्न कर दो ट्रू। अगर वहाँ से कभी रिटर्न फॉल्स नहीं होता इसका मतलब पैलिंड्रोम है, तो लास्ट में आकर रिटर्न कर दो ट्रू। एक बार इसको रन एंड सबमिट कर देखते हैं, ठीक है। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सही चल रहा है। इसको करते हैं सबमिट, ये सबमिट होता चलते हैं जावा कोड की तरफ, ठीक है। ये कोई एरर आया इसमें, ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। एरर ये है कि यहाँ पर आई जीरो से चलाना था, ठीक है। अभी सबमिट करते हैं इसको, ठीक है, अब सबमिट हो जाएगा ये, गलती से वहाँ पर जीरो की जगह पर लिखा गया, ये हुआ सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, स्ट्रिंग बिल्डर अपना बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करा स्ट्रिंग बिल्डर में, जो भी डाटा है उसको अपेंड कर दिया। स्ट्रिंग बिल्डर से कन्वर्ट कर लिया हमने स्ट्रिंग, ठीक है, कॉनकैट करके एक स्ट्रिंग बना ली। अब क्या करा, एक जीरो पर लिया पॉइंटर, एक कॉनकैट डॉट लेंथ माइनस वन पर लिया पॉइंटर जे, सिंपल अपना पैलिंड्रोम चेक कर लिया। अगर कहीं पर भी पैलिंड्रोम की कंडीशन मीट नहीं होती तो रिटर्न फॉल्स करा, कहीं से रिटर्न फॉल्स नहीं होता तो बाहर आकर रिटर्न ट्रू अपने आप हो जाएगा। एक बार इसको भी रन एंड सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। और गाइज दोनों कोड का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं और अपना जो पैटर्न की प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, उसमें भी तीन वीडियो आ चुकी है और भी वीडियो आएंगी, ठीक है, उसको भी जाकर आप जरूर देख सकते हो। और आपको किसी प्रकार का डॉक्टर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो चलेगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।